नईगढ़ी में आम आदमी पार्टी कार्यालय का भव्य शुभारंभ किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की रीति नीति और काम से प्रभावित होकर भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। रीवा जिला ग्रामीण अध्यक्ष प्रमोद शर्मा सभी को सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी कार्यालय का फीता काटकर किया गया। इसके पश्चात माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात नए जुड़ने वाले लोगों को सदस्यता दिलाई गई। इसके बाद बाइक रैली का आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के जिला ग्रामीण अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी में परिवर्तन लाने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी का झाड़ू जब चलता है तो सफाया कर देता है, जो आपने पंजाब और दिल्ली में देखा है। जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने अपने उद्बोधन में भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए राजेंद्र शुक्ला को सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वाला नेता बताया और लोगों से आम आदमी पार्टी का साथ देने की अपील की। आज कार्यक्रम में प्रमोद शर्मा, जिला अध्यक्ष ग्रामीण रवि मिश्रा, सह संगठन मंत्री जिला रीवा सुधांशु द्विवेदी, किसान विंग अध्यक्ष विजय तिवारी, वार्ड 9 रीवा पूर्व पार्षद प्रत्याशी महेश सिंह पटेल, सह संगठन मंत्री विधानसभा रीवा गाने का अरुण कुमार पटेल, विंध्यश्री प्रसाद गौतम, विद्या शंकर तिवारी एवं भारी संख्या में आम आदमी के कार्यकर्ता और आम आदमी उपस्थित रहे। संदेश जो है, नईगढ़ी वासी हों या फिर ये देवतलाव के लोग हों या रीवा जिला हो या पूरा हिंदुस्तान, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जो हमारे जो है मुखिया हैं उनका ये कहना है कि हमको जो है हिंदुस्तान को विश्व का नंबर वन देश बनाना है। इसके लिए नंबर वन देश कब बनेगा, उसके लिए हम लोग परिकल्पना पे उसे काम कर रहे हैं। उसको बनेगा तब जब हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, वो भी मुफ्त और क्वालिटी वाइज मिलेगा। इस बात के लिए जो है हम सभी संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर जो है आयोजक जो लोग थे उन्होंने पार्टी का जो है इस नई घड़ी के में उद्घाटन के लिए हम लोग आज पहुँचे थे। मैं प्रमोद शर्मा, जिला अध्यक्ष ग्रामीण हूँ। मेरे साथ में मेरी जो कार्यकारिणी के लोग जो आए और यहाँ पर जो है जो यहाँ के विधानसभा प्रभारी श्रीकांत पांडे जी और जो हैं यहाँ का जो जिन्होंने कार्यालय को खुलवाया उसके साथ में हमारे जिला उपाध्यक्ष पूरी टीम के साथ हम लोग पहुँचे थे। आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में जैसे दिल्ली हो या पंजाब हो, वहाँ पर सरकारें घर से चलती हैं। उसका उदाहरण ये है कि यदि कलेक्टर को आपके यहाँ पर गाँव में कोई कार्यक्रम करने आना है तो कलेक्टर को भी OTP उस गांव के सरपंच से लेंगे और कार्यक्रम में आ रहे हैं तो OTP जब मिलेगी तभी उनको तनख्वाह मिलेगी। इस तरह का 360 डिग्री का राजनीतिक परिवर्तन करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी अब आप लोग के बीच में है। पार्टियों में लोग भेद करें इस बात के लिए कि बाकी पार्टियों में जब आप जाएंगे तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी कि कोई कलेक्टर आपसे OTP लेकर तनख्वाह मिले उसको। ये व्यवस्था जो है, चाहे पटवारी हो, चाहे ANM हो, चाहे मास्टर हो, हर किसी को अपनी सेवा देने के लिए OTP लेना पड़ता है पब्लिक से। ये व्यवस्था गुड गवर्नेंस की व्यवस्था देने के लिए आम आदमी पार्टी आई थी, जिसका नईगढ़ी में समस्त जिले के जैसे नईगढ़ी में बहुत जोरों से यहाँ पर आज जो है सैकड़ों की संख्या में लोगों ने सदस्य मेंबरशिप ली। एक बड़ी रैली की गई, यहाँ पर जो है कई तरह के सामाजिक कार्यकर्ता BSP से, BJP से, हर पार्टी के लोग छोड़ कर यहाँ पर आए और उन्होंने जो है मेंबरशिप जो ज्वाइन की आम आदमी पार्टी की सरकार साथ में कि हम जो है जनता को सर्वोपरि मानेंगे, इस बात को मानकर यहाँ पर वो लोग आए हैं।